Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Friends, today I was just searching in the internet the topmost 10 questions which are unanswerable to the science and religion. Then I found 3 or 4 websites in which there were so many questions, okay, which are still unanswerable. For the science has no clue about those questions, and we will be talking about those unanswerable questions, and we'll try to explore whether those questions can be answered, and if particular question can be answered, then what could be the possible answers. One of the question which I found in all the websites and which is common, that question is, what is the purpose of death? Now this is the question which is unanswerable for the science. Scientists have no clue why death happens, why death takes place. Sharmaji, जो डेथ है, डेथ एक मिस्ट्री की तरह, एक रहस्य की तरह है साइंस के लिए, ठीक है. साइंटिस्टों के पास ये आंसर नहीं है कि डेथ का पर्पस क्या है, डेथ होती क्यों है, ठीक है. वो ये भी नहीं जानते कि डेथ के बाद वही आदमी जन्म लेता है या नहीं लेता, उनके पास कोई क्लू नहीं है कुछ आंसर, क्योंकि बिना एविडेंस के, बिना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के वो तो मानते नहीं है इस चीज़ को. अब हम योगिक साइंस के माध्यम से आप सबको ये एनलाइटन कीजिए, ये बताइए कि क्या पर्पस हो सकता है डेथ का. इसमें योगिक साइंस जो है, योगिक विज्ञान, हमारा आध्यात्मिक लाइन ये कह रही है कि हमने ये पहले भी एपिसोड में एक बार शायद ऐसा कहा है, और मुझे अच्छी तरीके याद है कि मैंने ये कहा था कि किसी भी अंडों के समूहों को, अर्थात झुंड, अर्थात शरीर में एक ऐसा केंद्रित अणु होता है, अंडा होता है, कि जो बाद में सभी को उसमें क्रिएट करता है, उसमें सभी को जोड़ता है, मगर वो उसका मूल केंद्र होता है किसी भी समूह का. तो वो जो समूह का मूल केंद्र होता है, तो उसमें भी एक जो एनर्जी है, जो परमात्मा है, वो बाहर की तरफ से उसे घूमता है, मगर वो स्टॉप होता है. वो एक समय ऐसा आता है कि जब उसे उस शरीर अपनी को स्टॉप करता है, तो शरीर उसे सारी सब चीज प्रक्रिया जो है पूरी समूहों की, अंडों की, सब कन्वर्ट हो जाती, बदल जाती है. तो बदल जाती है, तो उस वक्त सारे अंडों की जो है वो प्रक्रिया स्टॉप नहीं होती है, उनकी बदलती है. एक अणु आपका केंद्र में है, जिसकी प्रक्रिया ऊपर जा कर के उसकी, जिसे आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऊपर जाके हल्की है, वो वहाँ जाके रुकती है. तो ऊपर वो जो परमात्मा रुकता है, तो हमने पहले ये बात कही थी कि जब छोड़ता है तो सांस को छोड़ना होता है, और जब पीछे से खींचना होता तो सांस का खींचना होता. अच्छा, शुरू में एक चीज़ बताया था जो इसको देख रहे हैं कि जैसे आप बोलते हैं अंडे, ठीक है, तो अंडे का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट जिसके अंदर तीनों सिस्टम है, तीनों सिस्टम है, ठीक है. हाँ. चेतना का सिस्टम, उसके अंदर चेतना है. हाँ. कॉन्शसनेस है, यानी ठीक है, प्रकृति है, प्राकृतिक है, यानी आत्मा, ठीक है. हाँ. और उसके अंदर भी, उसके अंदर बहुत सारे जीवात्मा. तो जब जैसे ही शर्मा जी बोलते हैं अंडा, तो अंडे का मतलब ये नहीं समझो कुछ और, या एक व्यंग्यात्मक उसको वो रंग देने की कोशिश करो. अंडे का मतलब ये है कि बहुत सीरियस इश्यू. अंडे का मतलब ये है कि जो तीन प्रिंसिपल की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तीन प्रिंसिपल से, तीन जो मूल सिद्धांत हैं, इसी से सब कुछ है, ठीक है ना. और यही रियल है, ये सब्सटेंशियल है, बाकी सारी चीजें तो रचना है एक तरीके से, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल. तो एक अंडे का मतलब ये है कि एक यूनिट, एक यूनिट, और वो उस यूनिट के अंदर तीन चीजें हैं. हाँ, उस यूनिट के अंदर तीन चीजें हैं. तो वो हो गया, वो जो उसका केंद्र जो उसने बनाया था स्टार्टिंग में, जिससे उसने समूह तैयार किया. तो वो, ये बात हम पहले एपिसोड में बता चुके हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी. अब सवाल आज का है ये,
कि ये जो मृत्यु है, मृत्यु रहस्य है। अब इसमें रहस्य जैसी बात हमें तो कोई दिखाई नहीं देती कि इसमें बहुत बड़ा कोई रहस्य है, क्योंकि जहाँ मृत्यु आप जिसे बता रहे हो, तो हमने ये बात कही थी पहले भी कि जो एक एक अंडे में जो एक साधारण अंडा है जिसे हम आत्मा बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जीव आत्मा हैं जो साकार और निराकार, उसके नीचे लिक्विड है, उसके ऊपर रिक्त है। तो साकार और निराकार में वो लोग, वो जो जीवात्मा हैं छोटे छोटे, वो डूबते और उखड़ते हैं उसके अंदर। ये बात भी हम आपको पहले बता चुके हैं। अब सवाल उठता है ये कि ये जब ये साकार से निराकार हो रहा है, तो मृत्यु एक साकार की निराकार में जा रही है जिसे आप मृत्यु बता रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये मृत्यु नहीं है, ये एक साकार से निराकार में एक परिवर्तन है, जो एक चेतन का प्रक्रिया है, ये चेतन की प्रक्रिया, नहीं तो ये चेतन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर ये बात हम कहें कि साकार से निराकार में नहीं जाए, तो चेतन तो कहीं से स्पष्ट नहीं होगा, चेतन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये अंडे के अंदर की प्रक्रिया आपने मृत्यु कही है, मगर ये सवाल मृत्यु का यहाँ नहीं है, क्यों जहाँ पूछा जा रहा है, ये सवाल जीव आत्मा में जहाँ चतुर्भुजाकार है, वहाँ हमने बोला था कि धीरे धीरे फूलता है और फिर झटके से एकदम से उठता है, तो ये हमने ये बात पहले ही कही थी, तो ये चीज़ वहाँ है। अब अगर हम तीसरी पोजीशन पे जाएं, तो तीसरी पोजीशन पे जाके देखें तो वो अंडे के बाहर से एक प्रक्रिया चल रही जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, और जिसे चेतन आप बता रहे हैं, तो वो जो चेतन परमात्मा कह रहे हैं उसमें गति और शब्द और शक्ति तीनों चीज़ें हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो टाइम का भी इसमें प्रभाव है इसमें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सवाल है यहाँ का और वहाँ का, और पूछा जा रहा है एक अंडे पे, मृत्यु पूछी जा रही यहाँ। मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती, परिवर्तन होता है, चेंजेबल होता है, उसमें बदलना होता है, साकार से निराकार में बदलना होता है, जिससे मूल का अस्तित्व भी बना रहे और परमात्मा का भी अस्तित्व बना रहे, दिखाई देता रहे। अगर ये अस्तित्व ना हो, परिवर्तन ना हो, तो अगर ये परिवर्तन हमने मान लिया कि आपके लिए बैन कर दिया जाए, है ही नहीं, तो आप हैं या नहीं हैं, खाएंगे नहीं खाएंगे, आप स्टील के हैं, आप साधारण हैं, आपकी इंद्रियाँ हैं नहीं हैं, आपके लिए हर चीज़ आपकी इंद्रियगत स्वाद चखना देखना वो हैं या नहीं है, ये सब जितने भी आपको इंटरेस्टिंग जो आपके स्वाद वाली सब चीज़ें हैं, ये सभी चेतन की अपनी अपनी धारणाएं हैं, और ये चेतन अपने अपने अस्तित्व में आपके ऊपर प्रभाव डालता है, और ये चेतना के प्रभाव से ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर हमने पहले ये बात नहीं बताई थी कि जैसे हम एक ही घर में अगर चार आदमी हैं, तो एक आदमी बूढ़ा हो रहा है, खाना वही खा रहा है, एक आदमी बूढ़ा हो रहा है, दूसरा आदमी जवान हो रहा है, एक जैसा खाना खा रहे, एक जैसे बिस्तर पे सो रहे, एक जैसी हवा ले रहे, हर सब चीज़ एक जैसी कर रहे हैं, मगर ये चेतना का प्रभाव है। तो जो चेतना के प्रभाव से वो प्रभावित हो रहा है, उसी तरीके से प्रभाव डाल रही है, तो चेतना का अस्तित्व बना रहे, ये नित्य नया रहे, नित्य नया का मतलब यह है कि अगर इसे नया पुराना नहीं करेंगे, तो पुराने को ख़त्म नहीं करेंगे, तो नया कहीं से साबित नहीं हो पाएगा, किसी भी दृष्टिकोण से आप नया नहीं साबित कर सकते। तो नया होना प्राकृतिक का सिद्धांत है, और पुराने को नष्ट करना, परिवर्तन करना, ये प्राकृतिक का सिद्धांत है। इसमें मृत्यु नहीं, मृत्यु तो साधारण व्यक्ति बोलते हैं, अगर हम मृत्यु की तरफ ही अगर ले जाएं शरीर की तरफ, तो इंद्रियगत ज्ञान आपके स्टॉप हुए हैं, प्राण आपके स्टॉप हुए हैं, शरीर की अगर हम मृत्यु जैसी करें, तो शरीर की मृत्यु हम नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ इस बात के, हम शरीर की अगर बात करें तो ये भी देखें कि सांस की प्रक्रिया रोक दें, और हमने बोला कि वहाँ लिक्विड है, तो लिक्विड है खून की प्रक्रिया, आप शरीर से खून को निकाल दो, सांस बंद हो जाएगी, सांस आप रोक दो, खून काम करना बंद कर देगा, तो ये वाली मृत्यु कहते हैं हम, परिवर्तन हम इसे चेंजवल कहते हैं, जहाँ चेंज होती है साकार से निराकार और निराकार के, और ये सिद्धांत जो सवाल आया है वो है बीच का,
ये एक प्राकृति का सवाल आया है, प्राकृतिक में जो चेतन काम कर रहा है उस पर नहीं आपने गौर किया, वो सवाल अभी नहीं आया, और जो मूल में जहाँ चेतना जीवात्मा है वो आपने सवाल नहीं किया, तो आपने एक बीच का अधूरा सवाल किया है। तो ये जो मरना जो सवाल है ये रहस्य नहीं है, ये बहुत साधारण प्रक्रिया है और बहुत एक साधारण चीज़ है। ये आपको या किन लोगों को बड़ा इसका बहुत बड़ा रहस्य दिखाई देता हो, मुझे इसका बड़ा रहस्य नहीं दिखाई देता है। हम इस पर अगर हमने तो आपको मूल में बोला, अगर ये मूल में ना बोल करके अगर कहीं हमने शरीर के बारे में बोला तो दूसरे तरीके से आपको बता देते, मगर ऐसा नहीं, हमने वो चीज़ साइंस के व्यू से बताई गई ये चीज़ कि साइंस में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, मैं उनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर की बात बता रहा हूं, आप बाहर उनके बाहर से देख रहे हो, उनके समूहों को देख रहे हो, मैं समूहों को नहीं देख रहा हूं, मैं समूहों के अंदर के अणुओं को देख रहा हूं, मूल में देख करके उनके तब बता रहा हूं आपको, ये चीज है। ओके फ्रेंड्स, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पर्पस ऑफ डेथ, you see to my mind the whole life is very dynamic, okay, and this dynamism in life in the whole cosmos is only due to the existence of consciousness, and this is the effect of consciousness, okay, which is being manifested in the form of changes, the ongoing changes, ever changing process, okay. So the death is just a change from sakar to nirakar, again from nirakar to sakar. What we call birth is from nirakar to sakar, and what we are calling death is from sakar to nirakar. So this is just the change, and change is the very nature of this consciousness. Consciousness is very dynamic, and it makes the whole prakriti dynamic, moving, everlastingly changing. Okay, so this is just a change, okay, and this change, what does it indicate? This is very, very important for everybody to understand. Now, what does it indicate? If death is happening, birth is happening, we can see, we can sense that the whole cosmos, the whole life is very dynamic. So it is indicating that there is consciousness. Now, scientists ask, generally the question, what is consciousness? Consciousness is being indicated by the very dynamism of the life. So this dynamism comes because of the presence of conscious energy or the consciousness. This is very, very fundamental, and this is one principle of our three principles which we are proposing, that there are three principles: the pure consciousness, the whole prakriti, which Sharmaji called Atma, and multiple jivatmas. So everything comes down to these three principles. So this dynamism of life indicates the presence of consciousness. Now in the next episodes we will further dig into this इसमें, question. इसमें मुझे एक और छोटी सी बात कहनी है कि अगर कोई साइंटिस्ट इस बॉडी को देख करके, इस शरीर को देख करके ये कहे कि इसमें डेथ हो गई, तो मेरा सवाल साइंटिस्ट से है कि साइंटिस्ट ने क्या अभी अभी इस तरीके की कोई खोज नहीं निकाली कि प्रतिपल अगर कोई चीज़ बच्चा बढ़ रहा है और प्रतिपल अगर कोई वृद्ध घट रहा है, तो क्या प्रतिपल उसके घटने पे मृत्यु हो, आपने कही है कभी? क्योंकि घटना परिवर्तन होना, घटना परिवर्तन होना, उस तरफ जाना, इसे आप शरीर उधर चला गया तो आपने मृत्यु बता दी, तो जब वो वृद्ध हो रहा था उसके अणु सिकुड़ रहे थे, तब आपने उस अणुओं को सिकुड़ने को मृत्यु क्यों नहीं कहा? मींस शर्मा जी, डेथ एंड लाइफ, इट इज हैपनिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। उनकी भी तो लाइफ है। हाँ, तो अंडों की अपनी लाइफ है, बॉडी की अगर लाइफ है तो अंडों की भी तो लाइफ है। मैं वही कह रहा हूँ कि हर क्षण डेथ हो रही है। हाँ, हर क्षण चीजें बढ़ रही हैं, मैं जन्म हो रहा है, हर क्षण घट रही हैं, बढ़ रही हैं, और बढ़ रही हैं, घट रही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, डेथ का मतलब ये नहीं कि पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी वही डेथ है, वो उसी को डेथ है। हाँ, तो डेथ हमेशा, डेथ और लाइफ हमेशा ये चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत ये जो पूरी लाइफ है बहुत परिवर्तनशील है, ठीक है, बहुत एनर्जी है इसके अंदर, एनर्जेटिक है, और ये
चेतना की तरफ इशारा करता है, चेतना चेतना अचेतना अपने को एक्सप्रेस करती है, हाँ, उसे करती है, करती है उसे उसे हम, हाँ, उसकी गति जो है चेतना की जो गति है जो डायनामिज्म है, हाँ, वो यहाँ पे इस रूप में दिखाई पड़ रहा है, दिखाई इतने परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम मृत्यु बोलते हैं, जन्म बोलते हैं, और काफी डरते हैं, हाँ, और समझने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती क्योंकि हम मूल को नहीं देख रहे, नहीं मूल को नहीं चीज को देख पा रहे हैं ना, तो इसलिए वो साइंटिस्ट भी हमारे ख्याल इसीलिए ऐसा ऐसा सवाल उन्होंने डाल दिया ताकि एक आम पब्लिक जो है ना इसके आंसर ना दे पाए और वो भ्रमित रहे, यहीं रुकी रहे। सो फ्रेंड्स, इन फर्दर एपिसोड्स, ओके, वी विल एक्सप्लोर मोर डीपली इनटू दिस क्वेश्चन ऑफ डेथ, ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज डेथ, ओके, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, ओके, व्हाट वी आर कॉलिंग डेथ इज बेसिकली अ चेंज, ओके, द fundamental units, okay, that is you know x, okay, they depart or they get accumulated, okay, so we will explore so many things in further episodes. Thank you.